चंदपुरा प्रखंड के नर्रा पंचायत सचिवालय में हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था अंतर्गत तेजस्वनी परियोजना के तत्वाधान में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एवं ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन नर्रा मुखिया निरंजन महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात तेजस्वनी परियोजना चंदपुरा की ओर से नवनिर्वाचित नर्रा मुखिया निरंजन महतो एवं वार्ड सदस्यों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया गया। मुखिया निरंजन महतो ने कहा कि सिलाई प्रशिक्षण एवं ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर युवतियां एवं महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आर्थिक विकास कर सकते हैं, जिसमें महिलाएं घरेलू कामकाज कर इस प्रशिक्षण से अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकती है। नर्रा मुखिया निरंजन महतो ने क्लब के युवतियों के लिए 2 सिलाई मशीन एवं ब्यूटिशियन की 1 सेट देने की घोषणा भी किया। सिंटू गुराई ने परियोजना की ओर से संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए चंदपुरा प्रखंड अंतर्गत 88 तेजस्वनी क्लब संचालित हैं, जिसमें नर्रा पंचायत अंतर्गत 4 क्लब के गठन किया गया। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से वोकेशनल प्रशिक्षण के माध्यम से डाटा एंट्री करने के साथ मशरूम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तेजस्वनी प्रखंड समन्वयक सिंटू बुराई, फील्ड कोऑर्डिनेटर उर्मिला कुमारी सूरजमानी मारडी, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हीरालाल महतो, शंकर कुमार महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। बताइए आज का क्या कार्य? आज हमारे पंचायत में तेजस्वनी परियोजना के तहत सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम एवं ट्यूशन का शुरुआत किया गया। इसमें 14 से 24 वर्ष किशोरियों को शिक्षण दिया जाएगा और इसे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आप इसके लिए क्या कीजिएगा? हमारे से जो योगदान बनेगा हम करेंगे। आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम था नर्रा में? आज हम लोग नर्रा में एक्चुअली सिलाई मशीन का उद्घाटन था, साथ ही साथ ब्यूटिशियन का उद्घाटन किया था। किसके तहत कराया जा रहा है ये? जो तेजस्वी प्रोजेक्ट के द्वारा चलाई जा रही है सिलाई मशीन का और ब्यूटिशियन का। जितने भी किशोरी है और जो इच्छुक है सिलाई मशीन में, वो सिलाई मशीन सीख सकती है और जो ब्यूटिशियन में इच्छुक है ब्यूटिशियन सीख सकती है। कितने दिनों का होगा प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण लगभग 3 से 4 माह का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।